Hello guys, today we are going to discuss the topic Indian politics or basics of Indian politics. मतलब before studying Indian politics, हम political science पढ़ने के पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि आज की जनरेशन में आज के अगर टाइम पीरियड देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है that what is CM, what is PM, basically what is Chief Minister, Chief Minister होता कौन है, Prime Minister होता कौन है, MLAs कौन होते हैं, MPs कौन होते हैं, प्रेसिडेंट साहब कौन होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, कौन सी जगह से इन लोग को लेकर आते हैं, कैसे इनको बनाते हैं, ये कई लोगों को पता नहीं होता. लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, ये भी नहीं पता. उसके बाद उनको ये भी नहीं पता होता व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, ये भी नहीं पता. संविधान किसने बनाया पूछ लो तो ये भी नहीं पता होता है. संविधान है क्या, ये भी नहीं पता. मतलब मैक्सिमम थिंग्स जो इनको पता नहीं होती है, लेकिन वो आ गए हैं कि दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, क्योंकि सुन रहे हैं आजकल बहुत चल रहा है टू बी एन IAS ऑफिसर, टू बी एन IPS ऑफिसर, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, हमें सब चीज़ बनना है. और हमने ग्रेजुएशन किया किसी भी सब्जेक्ट से और हमने चालू कर दिया किसी तैयारी इसकी और आते ही साथ हम क्लास में बैठ गए, लेकिन हमें कुछ नहीं पता, सब ऊपर से निकल जाता है. सो बिफोर स्टडिंग, मतलब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे कहीं पर भी, वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देंगे. कॉन्स्टिट्यूशन, अब उस भाई उस बंदे को कुछ नहीं पता PM क्या होता है, MLA क्या होता है, तो वो बहुत दिन तक तो जूझते रहेगा इसी बात पर कि भाई ये है क्या. चूंकि आप 50 लोगों के बीच में बैठे तो आपके पास इतना गट्स भी नहीं होता कि आप बोल पाओ. बहुत कम लोग होते हैं जो बोल पाते हैं कि सर मुझे ये नहीं पता. मैक्सिमम लोग हाँ, उनका बेसिक क्लियर नहीं है और उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ भी लिया, समझ रहे हैं ना. तो बिफोर स्टडिंग या बिफोर स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस यू शुड नो दीज थिंग्स कि भाई ये बेसिक चीज़ें होती क्या है, कहाँ से आते हैं ये लोग. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन, भारत एक देश है, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. यहाँ पे इंडिया को डेमोक्रेटिक क्यों बोलते हैं या इंडिया को तानाशाही क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडिया में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच वी हैव. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत समय लगा. कितने समय लगा था, टोटल समय लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन. दिस इज द टाइम पीरियड जो हमें लगा था हमारा संविधान बनाने में. हमारा संविधान बन गया था किस डेट को, ऑन 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख गया था, मतलब बन गया था. इसकी कुछ चीज़ें उस दिन लागू कर दी गई थी, लेकिन पूरी तरीके से इसको एनफोर्स नहीं किया गया था, पूरी तरीके से इसको लागू नहीं किया गया था. आपसे कोई अगर पूछता है चलो उसके पहले लागू कब किया, तो हमने लागू किया था ऑन 26 जनवरी 1950. इंपॉर्टेंट डे है भैया. जब 1949 को हमें आज़ाद, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मिल गया था, तो क्यों नहीं लागू किया भाई. 2 महीने पहले हम अगर पूरी तरीके से आज़ाद हो रहे थे तो क्यों नहीं हुए. आप खुद को कब मानते हो पूरी तरीके से आज़ाद, जब आपकी लाइफ में आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने लगे. तो इसके पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने लगे, हमें पता था भैया 26 नवंबर को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो सकते थे. हमने 2 महीने और रुके, 26 जनवरी को आए. क्यों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये भी बताऊँगा क्यों. उसके पहले हम देख लें व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, संविधान. इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन. रिटन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में हम रिटन की बात कर रहे हैं. इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन एज वेल, ठीक है. जैसे हम दुनिया का सबसे ताकतवर देश पहले कौन था, इंग्लैंड. इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो इट इज ओरल, रिटन नहीं है वो, समझ रहा है. लेकिन भारत का अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इट इज रिटन. तो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. ये रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सेट है जिसमें आपके देशों में बताया जाता है कि आपके देश की गवर्नमेंट और जनता या प्रजा के बीच में कैसे रिलेशंस होंगे. इसको संभालने के लिए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे यहाँ 3 पार्ट में तोड़ दिया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. गेटिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके देश में हर जगह इक्वली फॉलो होते हैं, जिसको कोई भी तोड़ेगा नहीं. मतलब अगर आपके देश में बात की जाए तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है. मतलब भारत का राष्ट्रपति के ऊपर भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है. सबसे ऊपर क्या है, एक बुक है. इंडिया, वी आर लिविंग इन द कंट्री जहां पे हमेशा से ग्रंथ को ही, किसी ना किसी बुक को ही ऊपर आधार में रखा गया है. चाहे वो कोई भी आप एरा पढ़े, सबसे ऊपर हम बात करते थे कि कोई भी एक ग्रंथ होता था, वो माइथोलॉजिकल बुक हो या वो पॉलिटिकल बुक हो, समझ रहे हैं. तो सबसे ऊपर आता है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, इतना ही आप याद रखें, ठीक है.
कॉन्स्टिट्यूशन डे, अगर भारत में कोई पूछता है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे कौन सा होता है हमारा, 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख गया था, ठीक है, या तैयार हो गया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन लागू हुआ, तो लागू होने की डेट क्या है, 26 जनवरी 1915। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 26 जनवरी को ही सबसे पहले हमने सेलिब्रेट किया था हमारा फर्स्ट टोटल इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस। कब किया था, जब 1929 लाहौर नदी के तट पे जो हमारा आईएनसी का सेशन हुआ था, जिसकी चेयरमैनशिप की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस दिन हमने पहली बार बोला था कि अब हमें स्वराज नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए, हमने मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, और उन्होंने कहा था कि बाय नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब 1930 26 जनवरी से हम ये दिन सेलिब्रेट करेंगे एज अ टोटल इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज दिवस। और तब से हम पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे 26 जनवरी को। अब भाई 1947 को हम आज़ादी हमें मिल गई थी 15 अगस्त को, मतलब पूर्ण स्वराज दिवस गया 26 जनवरी को, उसके बाद आया 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन वो आज़ादी हमें दी गई थी बाय द ब्रिटिशर्स, उन्होंने हमें दी थी। तो यार 26 जनवरी क्या करें, आज भी अगर हम फील करें 26 जनवरी को जितना हमारे अंदर एंथुजियाज्म होता है वो 15 अगस्त को देखने नहीं मिलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा से जुड़ा है वो दिन। अगर हम हिस्ट्री की बात करें 1947 तक चला था, तो भाई उस दिन क्या करें, एक साल में दो इंडिपेंडेंस डे तो बनेंगे नहीं कि भाई दो इंडिपेंडेंस डे बनाएं, तो उस दिन हम क्या करें, हमने उस दिन क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पारित कर दिया। जब 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो हमने देखा भाई दो महीने और बचे हैं, दो महीने बाद हमारा एक एपिक डे है, एक हिस्टोरियन डे है 26 जनवरी, तो हम क्यों ना 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर लें। इसलिए इस दिन को हमने बोल दिया क्या, रिपब्लिक डे। क्या बोल दिया, रिपब्लिक डे। फाइन, इतना हो गया। अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बेसिकली कितने पार्ट में तोड़ा, तीन पार्ट में, इट इज अ स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। सबसे पहले आता है लेजिस्लेचर, दूसरा आता है एग्जीक्यूशन, तीसरा आता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब बाय द नेम इटसेल्फ, लेजिस्लेचर द वन हु मेक्स द लॉ। लेजिस्लेचर का मतलब होता है वो बॉडी जो आपको लॉ बनाने का काम करेगी। आपके देश में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज बनते रहते हैं, वो सारे लॉ कौन बनाएगा, ये अमेंडमेंट करना है, पुराने लॉ है लॉ में कुछ चेंजेस करना है ये, ठीक है, नए लॉ बनाना है कौन करेगा ये, मतलब अकॉर्डिंग टू अ टाइम मॉडर्न पीरियड, अपने पीरियड के हिसाब से कैसी जनरेशन चल रही है, कैसी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली लॉज बनाने का काम कौन करेगा, लेजिस्लेचर। दूसरा आता है एग्जीक्यूशन, लॉ बन गए, लॉ बनने के बाद उसको क्या किया जाता है, लॉ किसके लिए बन रहे हैं, फॉर द पीपल ना, हमारे लिए, देश के लिए बन रहे हैं, तो देश में हर जगह व्यापक रूप से इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो उसके लिए एक और बॉडी बनाई, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जुडिशरी। जुडिशरी कौन है, जुडिशरी हमारे यहाँ की बॉडी है जो चेक करती है भैया रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए, इसको अच्छे से फॉलो करवा पा रहे हैं नहीं करवा पा रहे हैं, सबको इक्वली मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है उसका फायदा, तो ये कौन देखेगा, आपका जुडिशरी। सबसे पहले आता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बेसिकली, लेजिस्लेचर के अंदर आप बात करो तो कौन आता है, पार्लियामेंट। क्या आता है, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट को हिंदी में कहते हैं संसद। आपने सुना होगा दिल्ली में हमारे यहां पार्लियामेंट है, संसद। संसद में जो लोग बैठते हैं उन्हें कहते हैं सांसद। क्या कहा जाता है, सांसद। इंग्लिश में अगर बोले तो एमपीज, एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट बेसिकली कितने पार्ट में टूट गया, अगर बेसिकली कोई नॉर्मली किसी लड़के से पूछो या लड़की से पूछो कि भैया पार्लियामेंट कितने पार्लियामेंट में होता क्या है, तो लोग क्या बोलते हैं, दो हाउस होते हैं, दो सदन होते हैं, दो घर होते हैं, बेसिकली दो हाउस, एक बोल देते हैं लोकसभा, दूसरा बोल देते हैं राज्यसभा। लेकिन हमें यहां पे एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद करना पड़ेगा, वो क्या है, प्रेसिडेंट। सबसे पहले होते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। ये तीनों चीज मिलके बनती है आपकी पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग होता है प्रेसिडेंट। याद रखना, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, बिना राष्ट्रपति के पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है। फाइन, तो पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आता है, प्रेसिडेंट साहब आते हैं, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है। अब प्रेसिडेंट साहब कहां से आते हैं, लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, ये सब चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब कौन होंगे, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। याद रखना, प्रेसिडेंट कौन होता है, एक नॉमिनल हेड होता है हमारे देश का, मतलब देश का एक प्रतिनिधित्व राजा होता है जो देश को क्या करता है, प्रतिनिधि कर, देश का प्रतिनिधि होता है बेसिकली आप बोल सकते हो। लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, अगर प्रेसिडेंट ही सबसे ऊपर हो गया, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वो उसको क्या बोल देंगे, मोनार्क बोल देंगे। रूल बाय इट्स ओन, हमारी तरफ से रूल है, जो मैं कहूंगा वही रूल्स है, जो मैं कह रहा हूं वही देश को फॉलो करना होगा।
तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो मोनार्क। लेकिन हमारे यहां ये मोनार्क नहीं होता, हमारे यहां क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, इसलिए तो हम डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम बेसिक की बात कर रहे हैं, तो बेसिक्स हम देख लेते हैं। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो बस याद रखो, वो हमेशा कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब डायरेक्टली कभी भी आपने नहीं सुना होगा, अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आपने नहीं सुना होगा कि आपके पिताजी या आपकी माताजी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट डालने गए हैं। या आप 22, 23, 25 साल के होगा तो आप बहुत सारे इलेक्शन दे चुके होंगे, इलेक्शन में वोटिंग दे चुके होंगे, तो आपने ये नहीं सुना होगा कि भैया मैं जा रहा हूँ किसके लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मैं वोट देने जा रहा हूँ, नहीं सुना, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। सेकेंड आता है आपका लोकसभा। लोकसभा अभी रिसेंटली 2019 में इलेक्शन हुए हैं, आपने देखे होंगे, जिसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी फिर से रीइलेक्ट होकर हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो लोकसभा के क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। हम पार्टिसिपेट करते हैं मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम, जो आपको पता है मिनिमम 18 साल होनी चाहिए आपकी वोट डालने के लिए, क्योंकि 18 साल के व्यक्ति को हम मानते हैं कि आप इतने सक्षम हो जाते हो कि आप अपनी लाइफ का और देश के लिए डिसीजन ले सको, इसलिए हम 18 साल मिनिमम एज रखा है। दूसरा आता है राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं हमारे द्वारा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, मैंने फिर बताया इनडायरेक्टली का मतलब मैं बताऊंगा, इनडायरेक्टली का मतलब अलग है, हम ही बनाएंगे लेकिन इनडायरेक्टली बनाएंगे, लेकिन इसका कभी इलेक्शन नहीं होता है कि राज्यसभा के लिए अलग से इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हम लोकसभा देख लेते हैं। लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस पहला, और बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल, या इसको क्या बोला जाता है, लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम वोट देते हैं डायरेक्टली और यहां के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। दूसरा आता है राज्यसभा। राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ के लोगों को हम सिलेक्ट नहीं करते या हम इलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लोकसभा। लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे यहाँ इंडिया में टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा 252 हैं या 252 होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी कितनी सीट्स हैं इसकी, आउट ऑफ 552 हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ सीट्स हैं 545 है, आउट ऑफ विच 543 के इलेक्शन होते हैं एंड 2 seats are reserved, या 2 seats are nominated by the president. जब भी मैं शब्द लूंगा nomination या nominate, तो याद रखना nominate हमेशा president साहब करते हैं, ठीक है। तो ये दो लोग कहां से आते हैं, ये दो लोग वो होते हैं जिन्हें हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियंस। ये वो इंसान होते हैं जिनके, या ये वो लोग होते हैं जो वंशज होते हैं किसके, ब्रिटिशर्स के। हमारे यहां ब्रिटिशर्स आए थे क्रिश्चियंस, उनके वंशज आने आने वाली जनरेशन चलते चलते चलते, तो उन्हें हम क्या देते हैं, एंग्लो इंडियंस। और उन लोगों को इलेक्ट कौन करेगा या नॉमिनेट कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। इनका कोई भी इलेक्शन नहीं होता, प्रेसिडेंट अपने मन से दो लोगों को यहां पे बैठा देंगे, बट दे शुड बी एंग्लो इंडियन, ठीक है। सेकंड आता है 543। अब 543 सीट्स हैं क्या, 543 सीट्स कहां से बनती है, ऐसा नहीं होता कि भाई वी आर लिविंग इन जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर में ही 300 लोगों को बैठा दो, नहीं। 543 सीट्स जो है वो हमारे यहाँ रिजर्व की गई है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब हमारे पूरे भारत देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तोड़ा गया है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमेशा एक इंसान क्या होता है, इलेक्ट हो किया जाता है, इलेक्ट हो किया जाता है, मतलब 543 सीट्स है तो 543 हमारे यहाँ क्या होंगी, 543 सीट्स, मतलब 540 क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने अपने पूरे भारत देश को तोड़ा है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। किस हिसाब से तोड़ा है, पॉपुलेशन के हिसाब से तोड़ा है। हम मैक्सिमम कितनी सीट्स कर सकते हैं, 552, लेकिन हमारे यहाँ कितनी है, 545, आउट ऑफ विच 543 सीट्स में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। याद रखना मतलब 543 सीट्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो एरिया हैं, वहां पे जो पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है वो लगभग सेम है, एग्जैक्ट सेम नहीं बोल सकते क्योंकि हर दिन बहुत सारे लोगों का मृत्यु होती है और बहुत सारे लोगों का जन्म होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग हर दिन 18 साल के ऊपर भी होते हैं और बहुत सारे लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं, एक्सपायर मतलब चले गए, ठीक है। तो 543 सीट्स, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने तोड़ा। अब यहां से बनता है क्या, प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली आप बोलते हैं लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर के लिए होते हैं या प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए होते हैं, डायरेक्ट नहीं होता भैया, आप वोट प्राइम मिनिस्टर को नहीं देते, आपने में आप में से किसी ने भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी को वोट नहीं दिया होगा कि भैया आपके वहां पे लिखा है, अंटिल एंड अनलेस आप उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ना हो जहां से वो लड़े हैं, वाराणसी, वाराणसी से वो खड़े थे, तो वाराणसी से वो खड़े थे बीइंग फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने जो लोकसभा में पार्टिसिपेट किया था वो किस लिए किया था, कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, समझ रहे हैं। तो भाई प्राइम मिनिस्टर कहां से बनता है, प्राइम मिनिस्टर एक नया शब्द आया,
क्या होता है प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रेसिडेंट को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रपति। हमारे देश का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जब हमने संविधान बनाया था तो संविधान बनाने की सभा, उसको जो प्रेसिडेंट था वो भी राजेंद्र प्रसाद साहब ही थे। और हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका कार्यकाल कितने साल का बोला जाता है? 2 बार वो जीते थे और उसके पहले 2 साल के लिए वो क्या थे? इंटरिम गवर्नमेंट के भी प्रेसिडेंट थे। मतलब उनका टोटल टेन्योर अगर हम देखें कितने साल का है? 12 साल का है। लेकिन इलेक्टेड वो कितने साल के लिए थे? 2 बार बने थे, दैट इज फॉर 10 ईयर्स, समझ गए? 10 साल के लिए थे और टोटल अगर 10 ईयर इंटरिम गवर्नमेंट का ही मिला के बोलूं तो 12 साल प्रेसिडेंट को थे। कौन से? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, जो कि कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समझ रहे हैं? ओके, 543 सीट्स। अब 543 सीट्स में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके खड़े होते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी मतलब हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है। 2 टाइप की पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, एक सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी। वो आगे हम पढ़ेंगे कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। मैंने वैसे एक लेक्चर बनाया है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, उसमें मैंने डिफाइन किया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, या स्टेट और यूनियन पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, ठीक है। तो आउट ऑफ 543 सीट्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ते हैं, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग खड़ा करते हैं अपना प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन के लिए, और वहां पे इलेक्शन होते हैं। आपको जो अच्छा लगता है उस बंदे को आप वोट देते हो, उसको जिता देते हो। अब 543 सीट्स में मोर देन 50% मतलब आप अप्रोक्स उसका आधा करोगे तो 271.5 होता है, मतलब 272 एक फिगर आता है। 272 members आउट ऑफ 543 members, जिस भी बंदे को या जिस भी लड़के को या जिस भी लड़की को, ही और शी, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, जिस भी बंदे को आप चूज करते हो मेजॉरिटी में और बोलते हो कि इसे हमारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, उसे राष्ट्रपति साहब क्या बना देते हैं? प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। मतलब लोकसभा डिसाइड करता है कि किस इंसान को हमें प्राइम मिनिस्टर बनाना है या नहीं बनाना है। राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है। लेकिन यहां समझने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम ईदर हाउस। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा का भी हो सकता है। मतलब यहां पर जो मेंबर है 545 मेंबर, उनका मेंबर भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर, और या वो यहां का मेंबर भी हो सकता है। बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? प्राइम मिनिस्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ही शुड बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के मेंबर क्या कहा जाता है? एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समझ रहे हैं? तो वो यहां का भी हो सकता है, वो यहां का भी हो सकता है। अब प्राइम मिनिस्टर की कुछ बेसिक चीजें देखें कि प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज क्या है? प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज होती है 25। क्यों होती है 25? मैंने अभी बताया, ही कैन बी फ्रॉम लोकसभा और फ्रॉम राज्यसभा। तो आपको बता दूं, फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ लोकसभा आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल, फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ राज्यसभा आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 साल, एंड फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 35 साल। थोड़ा बुजुर्ग होना चाहिए ना यार, राजा है देश का, किसी यंग 20 साल के लड़के को थोड़े मना देंगे 25 साल के, वो 35 साल का होना चाहिए मिनिमम। और तीनों की कंडीशन होनी चाहिए, मतलब फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या आपको राष्ट्रपति बनने के लिए एक चीज कॉमन होनी चाहिए, यू शुड बी एन इंडियन। आपको क्या होना चाहिए? भारत का एक निवासी होना चाहिए, ठीक है। तीनों का मेंबर होने के लिए, तीनों में से किसी भी का मेंबर होने के लिए आपको एक और चीज होनी चाहिए कि आप कोई और ऐसा पद ना धारण करे हो जहां पे आपको पैसे मिल रहे हो, समझ रहे हैं? मतलब कोई और आप गवर्नमेंट पोस्ट में या प्राइवेट कंपनी में कहीं काम ना कर रहे हो, समझ रहे हैं? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर देख लिया, प्राइम मिनिस्टर की एज 25 साल होनी चाहिए, याद रखना, क्योंकि वो लोकसभा राज्यसभा कहीं का भी हो सकता है, मिनिमम एज शुड बी 25, समझ गए? 543 सीट्स। थर्ड पे आता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 250। कितनी है? 250, आउट ऑफ विच 238 में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन नहीं बोलते हैं, 12 लोग होते हैं नॉमिनेटेड। मैंने बताया था नॉमिनेटेड का मतलब क्या, याद रखेंगे, नॉमिनेटेड का मतलब होता है बाय द प्रेसिडेंट। ये हमेशा नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ये अलग अलग जोन के होते हैं, खेलकूद से रिलेटेड,
फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड मतलब गीत संगीत गायन यहाँ के लोग हो सकते हैं, एजुकेटेड डॉक्टर्स इंजीनियर्स ये सारे लोग। इसको कौन नॉमिनेट करता है? बाय द प्रेसिडेंट। आउट ऑफ 250 238 मेंबर आते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? अलग अलग स्टेट से आते हैं। मतलब ये कहाँ से आएंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट में जो आपकी विधानमंडल होता है वहाँ से लोग निकल के आते हैं। समझ गए? कहाँ पे? राज्यसभा में। इनके कोई इलेक्शन नहीं होते, मतलब राज्यसभा के मेंबर के लिए इलेक्शन नहीं होते। दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब अलग अलग स्टेट में डिफाइन होती है कि किस स्टेट में कितनी सीट रिजर्व है फॉर द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अगेन हमने क्या किया है, पूरे भारत देश को 250 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तोड़ा है। 250 में नहीं, 238 में तोड़ा है, क्योंकि 12 सीट्स तो नॉमिनेटेड है, वो कहीं के भी हो सकते हैं। तो भैया 238 लोग अलग अलग स्टेट से आएंगे। जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सीट कितनी है? 11। तो 11 लोग कहाँ से आएंगे? हमारे यहाँ की जो स्टेट असेंबली है, हमारे यहाँ सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब लोग हमारे यहाँ सिर्फ क्या है, विधानसभा है। विधानसभा से 11 लोग को उठाएगा सीएम और नॉमिनेट कर देगा फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो 11 लोग उठेंगे, राज्यसभा में जाके बैठ जाएंगे। अब वो क्या हो गए? दे आर नाउ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं है। तो वो 11 सीट जो खाली हुई है वहां पे फिर से री इलेक्शन होंगे, जिसको हम बोलते हैं बाय इलेक्शन। वो आपके स्टेट में बाय इलेक्शन होंगे, वो सीट फिर से क्या होंगी, जो खाली सीटें थी वो फिर से भर दी जाएंगी। समझ गए? क्योंकि एक बंदा ऐसा नहीं होता कि वो राज्यसभा का भी मेंबर हो या वो पार्लियामेंट का भी मेंबर हो और स्टेट असेंबली का भी मेंबर हो। उसे या तो ये पोस्ट चाहिए या तो ये पोस्ट चाहिए। किसी एक पोस्ट से उसे क्या देना होगा? रिजाइन देना होगा। तो उसने क्या किया, लेजिस्लेटिव असेंबली से रिजाइन दिया, पोस्ट खाली हुई, तो वहां पे फिर से क्या होगा, बाय इलेक्शन। जो दोबारा इलेक्शन होते हैं उसे बोलते हैं बाय इलेक्शन, और जो पहली बार इलेक्शन होता है उसे बोलते हैं जनरल इलेक्शन। समझ गए? तो यहाँ पे क्या है, 238 सीट्स के इलेक्शन होंगे। दिस इज ऑल अबाउट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम कैसे होता है, संसद में कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, ये बात के लेक्चर्स में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। सेकंड आता है हमारा, हाँ तो हमने अभी देखा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर पूरा कंप्लीट हो गया बेसिकली, मतलब जो आप मोटा मोटा बेसिक आधार हम माने, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज बता दी। एक और चीज आप समझ ले, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं तो उसकी शपथ हमेशा दिलाने का काम या उसको रिक्रूट या अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति करते हैं, याद रखें। इसके बाद दो टॉपिक और बचे हैं, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो मैं इसका एक और पार्ट बना रहा हूँ, या एक और पार्ट आएगा, उस एक और पार्ट में आप देखिएगा। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा दिया, बेसिक। थैंक यू।